हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज मल्टी क्लाउड टेक्नोलॉजी। मल्टी क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या होती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इस धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों, ये मार्केट में आज के टाइम पे धीरे धीरे ग्रो हो रही है। लेकिन ये काम क्या करती है, क्यों इसका यूज करते हैं, तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन में। जब तक हम अपनी प्रेजेंटेशन में चलते हैं, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें देखते ही देखिए कि सबसे पहला पॉइंट आता है मल्टी क्लाउड टेक्नोलॉजी का, कि ये क्या करता है दोस्तों, सिर्फ क्लाउड बेस्ड जो ऐप होते हैं या एप्लीकेशंस होती हैं, सिर्फ ये उसके लिए ही वर्क करता है, तभी इसका नाम क्या रखा गया है, मल्टी क्लाउड टेक्नोलॉजी। जैसे कि वन ड्राइव हो गया, ये गूगल ड्राइव हो गया, ये बॉक्स हो गया, और भी सिंबल बने हुए हैं। ये किसके सारे सिंबल बने हुए हैं, ये कोई ऐप है जो किस पे वर्क कर रहे हैं, क्लाउड बेस्ड वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट कि मल्टी क्लाउड इज अ फ्री ऐप डेट अलाउ यू टू कनेक्ट ऑल योर क्लाउड ड्राइव एंड ट्रांसफर और सिंक फाइल फ्रॉम वन क्लाउड सर्विस डायरेक्टली टू अनदर। इट मीन्स क्या कहता है कि मल्टी क्लाउड एक ऐसा फ्री ऐप है जो कि क्या करता है, अलाउ करता है कि जो भी आपके क्लाउड ड्राइव्स हैं उसमें से आप क्या कर सकते हैं कि ट्रांसफर कर सकते हैं फाइल्स को, सिंक फाइल को भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक क्लाउड सर्विस से दूसरे क्लाउड सर्विस में विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो भी डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि मल्टी क्लाउड इज अ फ्री ऐप डेट अलाउ यू टू कनेक्ट ऑल योर क्लाउड ड्राइव्स। ये क्या करता है, सारी जो भी क्लाउड ड्राइव है उनको क्या करता है, ये ऐप इंटरनली कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, फाइल को सिंक कर सकते हैं फ्रॉम वन क्लाउड सर्विस, एक क्लाउड सर्विस से दूसरे क्लाउड सर्विस पे। दूसरा पॉइंट, यू कैन ऑल्सो मैनेज ऑनलाइन फाइल फ्रॉम मल्टीपल क्लाउड। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन फाइल, यानी कि क्या कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन फाइल फ्रॉम मल्टीपल क्लाउड ऑल अंडर वन वर्चुअल रूफ। यानी कि अलग अलग ड्राइव में क्या गया है कि जैसे अलग अलग ड्राइव है, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, गूगल क्रोम गूगल ड्राइव हो गया, गूगल फोटोज हो गया, वन ड्राइव हो गया, इन सब और भी अदर हो गए, उन सब एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या है कि अलग अलग फाइल सेपरेटेड है। ठीक है, लेकिन इस ऐप में या जो मल्टी क्लाउड टेक्नोलॉजी वाला ऐप है, इट मीन्स जो ये क्लाउड ऐप है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि सारे ऐप आप इसके अंदर रख करके इंटरनली एक फाइल से दूसरी फाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं वर्चुअल रूफ, अंडर वन वर्चुअल रूफ, यानी सारे ऐप को हम क्या कर सकते हैं, इसी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और वहां पे सारे जो ऐप कनेक्ट हो जाएंगे तो उसके अंदर की जो भी फाइल है वो सारी की सारी एक जगह आ जाएंगी। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं और रीनेम और ETC और भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी। तीसरा कि मल्टी क्लाउड टेक्नोलॉजी की जो सबसे खास बातें हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला कि डायरेक्टली ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन क्लाउड ड्राइव टू अनदर, यानी कि ये क्या करता है, डायरेक्टली फाइल ट्रांसफर करता है एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे। दूसरा, सिंक क्लाउड एंड शेड्यूल्ड क्लाउड टू क्लाउड बैकअप, यानी कि सिंक क्लाउड और शेड्यूल क्लाउड को क्या करता है, क्लाउड का बैकअप भी रखता है। तीसरा, कंप्लीटली फ्री एंड इजी टू मैनेज योर ऑनलाइन स्टोरेज, ये क्या करता है, बिल्कुल फ्री है और इजी भी है, किस लिए, ऑनलाइन स्टोरेज को मैनेज करने के लिए। चौथा कौन सा है, फाइल ट्रांसफर इन बैकग्राउंड विद ब्राउजर क्लोज, जो फाइल ट्रांसफर है अगर हम ऐप को बंद भी कर देंगे तो इंटरनली क्या होता रहेगा, फाइल इंटरनली ट्रांसफर होती रहेगी, कब तक, जब तक कि फाइल ट्रांसफर हो ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट, विद मल्टी क्लाउड यू कैन इजिली सिंक टू क्लाउड सर्विस और टू फोल्डर ऑन डिफरेंट क्लाउड अकाउंट, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि मल्टी क्लाउड की हेल्प से जो अलग अलग क्लाउड सर्विस में हमारे फोल्डर रखे हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं कि एक साथ सिंक कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेटअप शेड्यूल सिंक टू सिंक योर डाटा बिटवीन क्लाउड एट अ सर्टेन इंटरवल ऑटोमेटिकली। इट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटअप भी शेड्यूल कर सकते हैं हमारे डाटा का क्लाउड के बीच में। समझ में आया दोस्तों कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, कि हमारे बीच में जो हमने डाटा पे काम कर रहे हैं या जो भी कोई फोल्डर है उसमें हम क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कि इस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, इस टाइम पे ये फोल्डर अपलोड हो जाए, तो वो भी क्या होगा, आपको ये टेक्नोलॉजी भी इसमें प्रोवाइड कराई जा रही है, किसमें, मल्टी क्लाउड टेक्नोलॉजी में।
अब यहां पे क्या कहता है दोस्तों, कनेक्ट ऑल योर क्लाउड टू मल्ट क्लाउड एंड यू विल फाइंड इजी टू एक्सेस एंड मैनेज मल्टीपल क्लाउड स्टोरेज फाइल विद अ सिंगल लॉगिन। यहाँ पे क्या करता है कि अगर हम मल्ट क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो हम सिंगल लॉगिन करके जितने भी हमारे क्लाउड स्टोरेज है उन सबको एक जगह ही एक्सेस कर सकते हैं। इजिली अपलोड, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं मल्ट क्लाउड टेक्नोलॉजी में, इजिली अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कट कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, प्रीव्यू यहाँ तक कि देख भी सकते हैं एंड रीनेम योर फाइल जस्ट लाइक इन विंडोज एक्सप्लोरर। जैसे ही हम विंडो एक्सप्लोरर में काम करते थे, फाइल को रीनेम वगैरह कर लेते थे और भी काम कर लेते थे, वो सारा का सारा हम किस में देख सकते हैं, मल्ट क्लाउड टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं एंड एज अ फ्री क्लाउड फाइल मैनेजर टू इंटीग्रेट मल्टीपल क्लाउड ड्राइव। और ये एक फ्री क्लाउड फाइल मैनेजर है जो क्या करता है, आपको मल्टीपल क्लाउड ड्राइव को एक जगह इकट्ठा रखता है। यू एक्चुअली हैव द वे टू एक्सपेंड योर फ्री क्लाउड स्टोरेज। और हमें क्या करना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी को अपना के एक बार देखना चाहिए, कैसे तो हम बताते हैं आपको कि यहां पे क्या करना है कि कनेक्ट ऑल योर क्लाउड टू मल्ट क्लाउड एंड यू विल फाइंड टू इजी टू एक्सेस एंड मैनेज मल्टीपल क्लाउड स्टोरेज फाइल विद सिंगल लॉगिन। हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो भी सारे ड्राइव हैं, जो कौन वाले क्लाउड वाले सारे ड्राइव को हम इसके थ्रू कनेक्ट कर देंगे और कनेक्ट करने के बाद इसमें से क्या करेंगे, सिंगल लॉगिन करते ही हम लोग क्या करेंगे, सिंगल लॉगिन करने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे वहां पे एक्सेस कर जाएंगे और वहां पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कट कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, प्रीव्यू यानी फाइल को क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू भी कर सकते हैं एंड रीनेम योर ऑनलाइन फाइल। और हम अपनी ऑनलाइन फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं जस्ट लाइक इन विंडो एक्सप्लोरर, जैसे कि हम किसमें करते थे, विंडो एक्सप्लोरर में करते थे। सबसे पहले आपको क्या होगा कि दोस्तों कुछ हम मल्ट टेक्नोलॉजी क्लाउड में जो कनेक्टेड है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो ड्राइव बता रहे हैं जो कनेक्टेड है। सबसे पहला है गूगल ड्राइव, वो भी कनेक्ट है इसमें, गूगल वर्क स्पेस भी है, वन ड्राइव भी है, गूगल फोटोज भी है, शेयर पॉइंट भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है और क्या क्या है हम आपको इसके आगे बताएंगे। सबसे पहले अगर आप प्ले स्टोर में जा करके मल्ट क्लाउड टेक्नोलॉजी यानी मल्ट क्लाउड वहां पे प्ले स्टोर में टाइप करेंगे तो आपको ये एक ऐसा ऐप दिखेगा, ठीक है। आपको इस ऐप वाले पे जा करके क्या करना है, इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आप क्या देखेंगे कि यहां पे इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पे क्या कुछ ऐसे ओपन होगा। ओपन करने के तीन चार वे हैं, या तो आप अपना नया अकाउंट बनाइए मल्ट क्लाउड में, नहीं तो साइन इन विद गूगल ड्राइव यानी जिस जीमेल अकाउंट से आप एक्सेस कर रहे हैं उसी से आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। साइन इन विद फेसबुक, फेसबुक के थ्रू भी हम मल्ट क्लाउड में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने क्रिएट अकाउंट बना रखा है तो हमारी आईडी पासवर्ड होगा जो हम इसके थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। नंबर टू, जैसे आप अंदर करेंगे तो ये देखिए, जैसे हम साइन इन पे करेंगे तो ये देखिए हमसे आईडी भी मांग रहा है और पासवर्ड भी मांग रहा है, ठीक। तीसरा कि अब हम यहां पे गए, जब तैसे ओपन होगा तो हमें क्या करना है, ड्राइव को लिंक करना है। तो ड्राइव को लिंक करने के लिए आपको यहां पे क्या होगा, एक ऐड क्लाउड का ऑप्शन दिखेगा। इस ऐड क्लाउड को ओपन जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे दोस्तों, इस ऐड क्लाउड को लिंक करेंगे, ये सारे ऐप आ जाएंगे जो किसमें है, पर्सनल क्लाउड के अंदर, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, शेयर्ड विद मी हो गया, वन ड्राइव हो गया, शेयर पॉइंट ऑनलाइन हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, मेगा हो गया, गूगल फोटोज हो गया, एफटीपी हो गया, बॉक्स हो गया, पी क्लाउड हो गया, बैडू हो गया, फ्लिकर हो गया, हिल ड्राइव हो गया, यंडेक्स हो गया, नेस हो गया, मीडिया फायर हो गया, वेब डेव हो गया, वसाबी हो गया, इवर नोट भी हो गया, अमेजोन S3 भी हो गया, हबिक हो गया, ऑन क्लाउड हो गया, माई SQL हो गया, एंगेट हो गया, पोटियो हो गया, ए ड्राइव, शुगर सिंक, बैक ब्लेस, web.de, क्लाउड मी, बैडू, फ्लिकर, हाई ड्राइव, यंडेक्स, नेस, मीडिया फायर, वेब डेव, वैसे ही, और ये तो हो गया, ठीक है। अब यहां पे दो तरह से, एक पर्सनल क्लाउड था और एक बिजनेस क्लाउड में क्या था दोस्तों, आपको एक मिलेगा गूगल वर्क स्पेस मिलेगा, शेयर ड्राइव होगा, वन ड्राइव फॉर बिजनेस होगा, ड्रॉप बॉक्स होगा और बॉक्स फॉर बिजनेस होगा। ये सारी ड्राइव जो हमने आपको ये सारी ड्राइव दिखाई, ये सारी ड्राइव को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मल्ट क्लाउड टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हम सिंगल लॉगिन करेंगे और इतने सारी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वन टाइम लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी है तो वापस आपको यहां पे देखिए कहां पे जाना है, ट्रांसफर में जाने के बाद आपको कौन से ड्राइव में जाना है और कौन से ड्राइव से कौन से ड्राइव में भेजना है, तो वो आप यहां से ऐसे कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बता, हमारी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।